ओके ऑल गुड लेट्स गो। तो मैं हमीर और आपका मार्टिन क्रिकफो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया आईएसएल 501 का नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे एटीके वर्सेस चेन्नई एफसी मैच के बारे में। मैं आपको इस मैच का प्रीव्यू दूंगा, साथ साथ प्रेडिक्टेड फिल्म बताऊंगा और लास्ट में विनिंग चांसेस बताने की भी कोशिश करूंगा। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो 26 अक्टूबर आईएसएल 5 का नंबर 19 मैच होगा एटीके वर्सेस चेन्नई एफसी कोलकाता के विवेकानंद युवावर्ती क्रांगण स्टेडियम पर। शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो ऑनलाइन हॉटस्टार पर देख सकते हैं और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। तो चलिए अब हम लोग इस मैच से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले दोनों टीमों का लास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद हम प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो पहला आ रहा है एटीके। तो एटीके का लास्ट मैच हुआ था जमशेदपुर एफसी के साथ, जो मैच ड्रॉ हो गया था। तो एटीके का लास्ट परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिला कि एटीके एकदम एवरेज परफॉर्मेंस दिया, उनके पास कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं था। तो इस मैच के लिए उनको अब अपने मिडफील्ड में ध्यान देना पड़ेगा, मिडफील्ड के खिलाड़ी को चांस क्रिएट करना पड़ेगा और अटैकिंग जो खिलाड़ी है वहाँ पर उनको फिनिश भी बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। इस मैच के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस मैच पर सिर्फ अटैक के बारे में ही सोचना है। एटीके के जो डिफेंस है वो बहुत ही उम्दा है, सिर्फ आप अटैक में काम कीजिए, जैसा कि दिल्ली डायनेमिक्स एफसी के साथ आपने किया था उस तरह के अगर परफॉर्मेंस आप इस मैच में दे सकते हो तो शायद मैच भी बन सकता है आपके नाम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एटीके के जो प्लेइंग 11 हो सकता है इस मैच के लिए। तो इस मैच पे कुछ ज़्यादा हमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा, एक दो चेंज हो सकता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर गोल रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट राइट बैक पर होगा आइबलंग खोगजी, सेंटर बैक पर आपको गर्सन भेरा या अंद्रे वेके दोनों में से कोई एक दिख जाएगा, उसके बाद उनके साथ रहेगा जॉन जॉनसन, लेफ्ट बैक पर होगा रिक्की या आज सेनाडॉल्ट आ सकता है। और नेक्स्ट मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड के राइट मिडफील्ड पर आपको दिख जाएगा कोमल थदा, उसके बाद सेंटर मिडफील्ड पर रहेगा नुसर अलमुमिन, उनके साथ प्रणय यलदार, लेफ्ट मिडफील्ड पर रहेगा लंजा रोटे, उसके बाद फॉरवर्ड में अटैक की बात करें तो एवाटो संतोष या कालू योचे, उनके साथ रहेगा बलवंत सिंह। तो ये तो हो गया एटी के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत और उनका प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। आप चलिए बात कर लेते हैं चेन्नई एफसी के बारे में। तो चेन्नई एफसी का लास्ट मैच हुआ था दिल्ली डायनेमिक्स एफसी के साथ, यहाँ पर चेन्नई एफसी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, क्योंकि लास्ट जितना भी मैच खेला है चेन्नई एफसी सभी मैच हार चुका है, लेकिन दिल्ली डायनेमिक्स एफसी के साथ जो मैच हुआ उस मैच पे उन्होंने ड्रॉ किया था, दोनों की तरफ से कोई गोल नहीं लगा था, लेकिन चेन्नई एफसी यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया लास्ट मैचों के तुलना में। तो चेन्नई एफसी को इस मैच के लिए थोड़ा बहुत डिफेंस में ध्यान देकर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करना पड़ेगा, मिडफील्ड को चांस क्रिएट करना पड़ेगा और इनका जो स्ट्राइकर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइन शॉट लगा के गोल लगाने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी आप इस मैच पे जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि एटीके भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी दे रहा है। तो चलिए आप देख लेते हैं इनका प्लेइंग 11 किस तरह से रह सकता है। तो यहाँ पर इनका ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट मैच के जैसा ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गोलकीपर करंजीत ही रहेगा, उसके बाद राइट बैक पर होगा इनिगो कैलरन, सेंटर बैक पर आपको मिल जाएगा एली सबिया और मेलसन अल्वेस इस मैच पर आ सकता है, लेफ्ट बैक पर रहेगा जेरी। और इसके बाद मिडफील्ड की बात करें तो राइट मिडफील्ड का आपको दिख जाएगा फ्रांसिस फर्नांडेज, उसके बाद सेंटर मिडफील्ड पर रहेगा अनिरुद्ध थापा, उनके साथ थोई सिंह और लेफ्ट मिडफील्ड पर आपको दिख जाएगा अंद्रिया और नाल्डी। फॉर्ड में अगर अटैक की बात करें तो इस मैच पे जेजे शायद उतर सकता है, पहले ही उसके साथ रहेगा कार्लोस सालोम। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से मैच से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत, दोनों टीमों का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। आपका क्या राय है इन सभी बातों से जुड़े आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अब चलिए बात कर लेते हैं विनिंग चांसेस के बारे में। तो दोस्तों इस मैच पे मैं जाऊंगा एटीके के साथ, क्योंकि एटीके का परफॉर्मेंस चेन्नई एफसी से ज़्यादा इंप्रेसिव रहा है कुछ मैचों में। तो एटीके का जीतने का चांस यहाँ पर मैं दूंगा 65% और चेन्नई एफसी का जीतने का चांस रहेगा 35%, लेकिन दोनों टीम बहुत ही अच्छा भी कर रहा है तो यहाँ पर 80% यानी कि 80% ड्रॉ होने का भी चांस रहेगा। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। आईएसएल 5 जुड़े, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।